श्रीलंका के खिलाफ दूसरे टेस्ट में शानदार वापसी करते हुए लोकेश राहुल ने 57 रनों की पारी खेली। हालांकि वो अपनी पारी को शतक में तब्दील नहीं कर पाए, इसके बावजूद वह सुर्खियों में रहे। दरअसल लगातार टेस्ट पारियों में 6 अर्धशतक जमा कर राहुल ने गुंडप्पा विश्वनाथ और राहुल द्रविड़ की बराबरी कर ली है। दरअसल राहुल की इतनी सदी बल्लेबाजी का राज उनकी प्रैक्टिस है। राहुल मैच से पहले नेट पर बैट से नहीं बल्कि स्टंप से प्रैक्टिस करते हैं। बीसीसीआई ने एक वीडियो जारी किया है जिसमें राहुल स्टंप से प्रैक्टिस करते हुए नजर आ रहे हैं। भारतीय टीम के असिस्टेंट कोच संजय बांगड़ ने राहुल की इस तरकीब की काफी प्रशंसा की है। बांगड़ का कहना है कि राहुल को स्टंप के साथ बैटिंग प्रैक्टिस करना पसंद है। बेहतर फुटवर्क हासिल करने के लिए वह नेट पर स्टंप से बल्लेबाजी करते हैं। राहुल ने खुद माना है कि उन्होंने स्टंप से बैटिंग प्रैक्टिस करना शुरू किया है। उन्होंने कहा, मैंने आरसीबी की ओर से खेलते हुए एबी डिविलियर्स को ऐसा करते देखा था, तब मैंने उनसे इसके फायदे के बारे में जाना। इससे मुझे गेंद को करीब से देखने का मौका मिलता है और साथ ही बल्ले पर गेंद को लेने में काफी आसानी होती है। NMF News की रिपोर्ट।